नमस्ते दोस्तों, हमने अलग अलग टॉपिक्स में नॉइज के बारे में पढ़ा था, यानी कि साउंड के बारे में पढ़ा था। और साउंड जब अनकंफर्टेबल होता है तो नॉर्मली उसको नॉइज कहते हैं। तो जैसे अभी अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन है, जैसे कि महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल में इंपल्सिव साउंड के बारे में दिया है, कंटिन्यूअस साउंड के बारे में दिया है, उसके अलग अलग मैक्सिमम लिमिट्स दिए हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नॉइज पोल्यूशन रूल 2000 ये आ चुका है और अभी उसमें अमेंडमेंट भी हो चुके हैं। तो नॉइज पोल्यूशन रूल 2000 के हिसाब से उसमें अलग अलग जोन्स भी दिए हैं, जैसे इंडस्ट्री का सेपरेट जोन है, या फिर हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, स्कूल्स, कॉलेजेस के लिए साइलेंस जोन है, या कमर्शियल जोन है, या रेजिडेंशियल जोन है। तो ये जो भी एबीसीडी जोन्स है, तो ये एबीसीडी जोन्स में मैक्सिमम आपका जो नॉइज लेवल है उसको लिमिट दे चुके हैं। तो जैसे अभी इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मली अभी जो अमेंडमेंट आ चुका है तो मैक्सिमम 85 डेसिबल्स तक आप नॉइज जनरेट कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा नॉइज आप अगर जनरेट करते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ नॉइज कंट्रोलिंग के लिए मेथड या एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अभी जो नॉर्मली नॉइज जनरेट होता है, तो वो नॉइज जो जनरेट होता है तो उसको पहले आपको मेजर करना पड़ेगा और उसके बाद में ही आपको पता चलेगा कि ये जो एक्सेसिव लिमिट्स रूल्स एंड रेगुलेशन थ्रू दिए है या फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थ्रू दिए है, तो उसके हिसाब से ये एक्सेसिव लिमिट्स है या नॉर्मल लिमिट है। तो वो साउंड मेजर करने के लिए ये साउंड मीटर एक इक्विपमेंट है। तो ये साउंड मीटर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये इसका मेन पार्ट है, ये बेसिक इक्विपमेंट है जिसको इंपल्सिव साउंड मीटर कहना चाहिए। और यहाँ पे ये प्रोब है जहां से ये साउंड एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो यहां से ये साउंड एब्जॉर्ब कर लेता है, ये मेन इसका कलेक्टर है, और उसके बाद में डायरेक्ट डिजिटली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो ये साउंड लेवल मीटर में आपको ये सिंपल दो बटन है, जैसे कि यहाँ पे पावर का बटन है और उसी में एडजस्टमेंट दिया है होल्ड के लिए, यानी कि अगर आपको ये जो रीडिंग है ये रीडिंग अगर होल्ड करनी है तो ये रीडिंग आप होल्ड कर सकते हैं और वहां पे आपको पता चलेगा कि अभी ये सेकंड को कितना साउंड जनरेट हो रहा है। क्योंकि अभी आप देखिए जैसे मैं बात कर रहा हूं तो ये साउंड यानी कि नॉइज ये थोड़ा चेंज होते जाएगा, तो ये अलग अलग स्केल में भी आपको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर अभी मैंने जो बताया था वो स्केल अलग थी और अभी ये जो स्केल है ये अलग है, तो यहाँ पर जो स्केल्स आप अप्रोप्रिएट यूज करते हैं उस हिसाब से उसका प्रॉपर रीडिंग आएगा। जैसे अभी मैंने 80-130 स्केल्स पे उसको यूज किया था तो उसके रीडिंग्स अलग आ रहे थे। अगर आप उसको दूसरे स्केल पे यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे स्केल क्या क्या है, ये जो पहला स्केल है ये है 35-80 डेसिबल्स, दूसरा जो स्केल है वो 50-100 डेसिबल्स है, और तीसरा जो स्केल है 80-130 डेसिबल्स। यानी कि अगर आप नॉर्मल क्लासरूम में, हॉल में, या नॉर्मल डाइनिंग टेबल, कैंटीन में अगर बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो पहले स्केल जो लोएस्ट स्केल है वहां पर आपको ये रखना चाहिए। अगर थोड़ा मॉडरेट नॉइज है तो आपको मिडल में उसका यूज करना चाहिए। अगर इससे ज्यादा नॉइज है तो जैसे मशीनरीज वगैरह का नॉइज ज्यादा रहता है तो वहां पे आपको ये थर्ड स्केल आपको यूज करना चाहिए। तो जनरली यहाँ पे जो स्केल्स यूज होती है वो नॉर्मल लेवल के लिए ए स्केल यूज होती है जिसको हम डीबीए कहते हैं, यानी कि डेसिबल्स ए स्केल पे ये हमने रीडिंग्स लिया। जैसे अभी यहाँ पे अगर आप देखिए 70-80 डेसिबल्स के आसपास मेरा साउंड यहाँ पे दिख रहा है और ये इनिशियल ए स्केल पे। जैसे ही मेरा वॉइस चेंज होते जाएगा, प्लस माइनस साउंड होते जाएगा, उस हिसाब से वो रीडिंग्स भी प्लस माइनस होते जाएगी। तो ये सिंपल्स इंपल्सिव साउंड मीटर है, यानी कि आपको जहां पे आपको काम करना है, जहां पे आपको साउंड मेजर करना है उसी टाइम का सिर्फ, तो उस टाइम के लिए अगर आपको साउंड मेजर करना है तो ये आप साउंड लेवल मीटर, जो बेसिक इंपल्सिव साउंड मीटर है, वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको 8 घंटे के लिए अगर ये यूज करना है तो ये साउंड मीटर की जगह आपको डोजी मीटर यूज करना चाहिए।
तो साउंड डोजीमीटर का जो मेन काम है वो एक्चुअली ऐसा है कि 8 घंटे के लिए जो भी साउंड वहां पे आएगा, जो भी आपके सराउंडिंग में आएगा, उस हिसाब से आपका 8 घंटे का पूरा रिकॉर्डिंग वहां पे रहेगा और 8 घंटे का वो एवरेज आपका नॉइज बताएगा। अगर आपको उसको कंपेयर भी करना है, जैसे आपके यहाँ पे अभी नॉइज पोल्यूशन रूल है 2000 का, या फिर उसका अमेंडमेंट है, या फिर महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल है, या फिर आपको ओशा गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, या फिर ACGIH रूल अमेरिकन सिस्टम्स थ्रू फॉलो करना है, तो आप उसमें सेट पॉइंट भी लगा सकते हैं डोजीमीटर में कि आपको ये साउंड से या नॉइज के जो स्केल है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है वो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट के हिसाब से आपको कंपैरिजन करना है कि जो 8 घंटे में मैं जो साउंड एब्जॉर्ब करता हूँ वो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स के अंदर है या उससे ज्यादा है, यानी कि एक्सेस है। तो ये भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको साउंड डोजीमीटर चाहिए जो इससे बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रिकॉर्डिंग भी हो सकता है, जिससे आप डायरेक्टली जो भी आपका रिकॉर्डिंग है वो आप ईमेल पे भी सेंड कर सकते हैं, दूसरे अलग अलग जो डेटा स्टोरेज के ड्राइव्स रहते हैं उसमें भी आप सेंड सेव कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये साउंड मीटर सिर्फ आपका बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो आप डायरेक्टली साउंड उस टाइम का, उस सेकंड का आपको सिर्फ मेजर करना है तो आपको साउंड मीटर फायदेशीर है। अदरवाइज अगर आपको टाइम वेटेड एवरेज यानी कि 8 घंटे का आपको देखना है एवरेज, तो आपको साउंड डोजीमीटर जो है वो डोजीमीटर आपको यूज करना चाहिए। धन्यवाद।